देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज की खास पेशकश रणनीति मसाला। रणनीति मसाला में आज बात कर रहे हैं बीते कल की राजनीति के उस वक्त की, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार 8 घंटे एक ही शख्सियत ने जोरदार भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया गया आज तक का ये सबसे लंबा भाषण है। कौन है वो शख्सियत और आखिर कैसे लगातार 8 घंटे तक वो बिना रुके बिना थके भाषण देते रहे, आइए आपको बताते हैं क्या है इनका नाम। इनका नाम है वीके कृष्ण मेनन, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ थे। यही नहीं, सन 1957 से 1962 तक वो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। वीके कृष्ण मेनन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ये वो वक्त था जब भारत अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ था। वीके कृष्ण मेनन उस वक्त लंदन में थे, मगर स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों की कुर्बानियां देखकर वो भी भारत की स्वतंत्रता के भावुक समर्थक बन गए। इसलिए इंग्लैंड में एक पत्रकार और इंडिया लीग के सचिव के रूप में काम करते करते वो भारतीय राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ गए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मेनन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, मगर उनके कार्यकाल के दौरान उन पर 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ब्रिटेन से सैन्य जीपों को खरीदकर भारतीय सेना तक पहुंचाने के मामले में घोटाले का आरोप लगाया गया। ये बात अलग है कि उन पर बाद में ना ही किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने और ना ही किसी तरह के घोटाले में शामिल होने का कोई आरोप लगा, जिसके बाद 23 जनवरी 1957 को उन्होंने कश्मीर पर भारत के रुख का बचाव करते हुए लगातार 8 घंटे तक अप्रत्याशित भाषण दिया। ये भाषण लगातार 8 घंटे चला और इस तरह कृष्णा मेनन द्वारा दिया गया भाषण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया गया आज तक का सबसे लंबा भाषण बन गया है, जो हमेशा और हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो रणनीति मसाला में आज बात की वीके कृष्ण मेनन की। ऐसे ही पुराने राजनीतिक किस्सों के लिए आप देखते रहिए रणनीति मसाला। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।